Now we are starting the new chapter, that is chapter number 4. The name of the chapter is nothing but moving charges and magnetism. Yes. So throughout the chapter हमें क्या learn करना है? हम charge को बेटा flow कराएंगे, that is charges will be in the motion and due to which जो magnetic field create होगा उसके बारे में हमें study करना है. Yes बेटा आपने perfect सुना है. Moving charge की वजह से जो magnetism create होता है हमें उसके बारे में study करना है. Yes. बाय डिफॉल्ट जो ओरिजिनल मैग्नेट्स होते हैं उसके जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करने वाले हैं. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज इन विच द चार्जेस विल बी इन द मोशन ड्यू टू विच जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसको हम स्टडी करेंगे. यस. सो अगेन बेटा ये चैप्टर में हम लोग अगेन बेटा सिमुलेशंस यूज करने वाले हैं. जब हम वो सिमुलेशंस यूज करेंगे आपको क्लियरली पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाएगी. डू रिमेम्बर दिस स्टफ. यस. थ्रू आउट द चैप्टर बेटा जो फिगर्स आपको दी गई है वो 3D फिगर्स होती है. तो 3D फिगर को समझाने के लिए अगेन बेटा जैसा हमने आपको बोला सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करेंगे. बट डू रिमेम्बर दिस कि आपको ये चैप्टर हमारे साथ ही करना है बेटा. अगर एक भी क्लास आपका पीछे छूट गया देन पूरा प्रोबेबिलिटी है कि सब कुछ आपका मिक्स हो जाए. Yes. जो दिन आपको ये क्लास मिलता है वही दिन आपको ये क्लास को कंप्लीट कर देना है. देन यू विल हैव द फुल कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर. यस. सो लेट अस स्टार्ट अगेन. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. यस. सो नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन. यस गाइस. सो इंट्रोडक्शन में आपको क्या दिया गया है. बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन 2000 ईयर्स. यस. However, it was only about 200 years ago, आज से 200 साल पहले की बात है, that is in 1820 perfect, 200 years ago, yes, that it was realized that there were intimately related, yes, क्या कौन कौन बेटा related है, electricity and magnetism, yes, किस तरीके से आइडिया आया, उसका एक थोड़ा हिस्ट्री आपको दिया गया है. During the lecture demonstration in the summer of 1820, हम भी समर में ये आपको पढ़ा रहे हैं, Danish physicist Hans Christian Ørsted noticed that a current in a straight wire caused a noticeable deflection in a nearby magnet compass needle. Yes. So experiment again beta aur koi chal raha tha. Ørsted karke ek scientist tha jo kya kar raha tha uske paas jo wire tha usme se wo bhai sahab ne current pass kiya. But suddenly usne kya dekha ki jab hum ye wale wire se current pass karte hain नजदीक पे जो एक कंपास का नीडल पड़ा है वो नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाया. परफेक्ट. सो जैसे कि आपको बेटा पता है कंपास नीडल वो तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं हम लोग. कंपास नीडल किसके लिए बेटा इंडिकेशन देता है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंडिकेशन देता है. हमने क्या किया, या तो ये भाई साहब ने क्या किया था, करंट पास किया था. आइडियली मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई सोर्स यूज नहीं किया है. व्हाट इट मींस कि कंपास नीडल तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्शन दिखाता है. यहाँ पे तो इसने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं यूज की है, वो तो करंट पास कर रहा है. करंट तो इलेक्ट्रिसिटी में आता है तो उसने पास किया करंट, तो कंपास नीडल ने क्यों डिफ्लेक्शन दिखाया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. यस. सो अगेन क्या था बेटा कि कॉज अ नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन अ नियर बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल. परफेक्ट. सो ही इन्वेस्टिगेटेड दिस फिनोमेना, उसने इसके बारे में स्टडी किया. ही फाउंड दैट द अलाइनमेंट ऑफ अ नीडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल. क्या है बेटा कि जो नीडल है वो हमेशा टेंजेंशियल डिरेक्शन में अलाइन होती है. किस तरीके से, थोड़ी देर में आपको हम समझाएंगे. यस. टू एन इमेजिनरी सर्कल विच हैज अ स्ट्रेट वायर एज इट्स सेंटर एंड हैज इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर. यस बेटा. तो इसका कहने का मतलब क्या है कि लेट अस से कि ये हमारा वायर है, इसके अंदर से हम कोई एक डायरेक्शन में करंट पास करेंगे ड्यू टू विच उसके आसपास बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी जो कि कौन से फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी. यस. जो कि कौन से फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी. अगर वो सर्कुलर फॉर्म की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती है उसके सराउंडिंग अगर हम लोग अपना कंपास का नीडल रख ले तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्शन दिखाएगी. यस. परफेक्ट. यही चीज को हम देखेंगे. डोंट वरी. विच हैज द स्ट्रेट वायर एज इट्स सेंटर एंड हैज इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, नो इश्यूज. मतलब क्या कि अगर ये वाई डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर दैट इज एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होगी.
है ना बेटा, अगर ये गोइंग इनसाइड है जेड डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर मतलब ये वाला जो वाई प्लेन है वर्टिकल प्लेन उसमें बेटा लाइंस क्रिएट हो। यस परफेक्ट देन। सो नेक्स्ट दिस सिचुएशन इज डिपिक्टेड इन फिगर नंबर 4.1A। हम लोग देख रहे हैं इट इज नोटिसेबल व्हेन द करंट इज लार्ज एंड द नीडल इज सफिशिएंटली क्लोज टू द वायर सो दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मे बी इग्नोर्ड। यस आइडियली तो बेटा कंपास नीडल जो है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेशन देता है, मैग्नेटिक फील्ड हमें किसकी वजह से मिलता है, अर्थ की वजह से। बट जब हमारा जो वायर है उसके अंदर से बहुत बड़ा अमाउंट का हम करंट पास करते हैं, इन कंपास के नीडल को बहुत ही नजदीक रख देते हैं, देन इन कंपेरिजन टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका इंटेंसिटी हम ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं, डू रिमेम्बर कर सकते हैं, है ना। यस नेक्स्ट रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्स इज द ओरिएंटेशन ऑफ नीडल एज शोन इन फिगर 1.2। यस ये क्या कहता है भैया कि पहले हमने करंट लेटर से टिप है तो ये डायरेक्शन में करंट पास किया तो कंपास के नीडल ने जो डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया था अगर यही करंट को हम उल्टी डायरेक्शन में पास करेंगे तो वही कंपास के नीडल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगी। इसका मतलब क्या है ये भी हम देखते हैं। अच्छा और से एक्सपेरिमेंट आई होप बेटा सीबीएसई वाले बच्चे एटलीस्ट आपने ये वाली चीज 9th या 10th में टेंथ में लर्न की होगी। यस नेक्स्ट द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द वायर। यस जो डिफ्लेक्शन नीडल ने दिखा है वो तो अभी पक्का हो गया है कि अगर हम करंट पास करेंगे कंपास का नीडल डिफ्लेक्शन तो दिखाएगी ही दिखाएगी। ओके नेक्स्ट अभी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करंट इंक्रीज करो तो कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ता है। अच्छा कंपास के नीडल को नजदीक लेके आओ तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ता है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाता है। यस सो आयरन फिलिंग स्प्रिंकल अराउंड द वायर अरेंज देमसेल्फ इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द वायर एट द सेंटर एज शोन इन फिगर 1.6। यस ऑस्टेड देन कंक्लूडेड दैट द मूविंग चार्जेस, हमने वायर में से करंट पास किया करंट मीन्स चार्ज को फ्लो करवाया था, मूविंग चार्जेस और करंट produces the magnetic field in the surrounding space। इतने सारे बार अलग अलग कंडीशन लेके जब उसने एक्सपेरिमेंट किया कंक्लूजन दिया कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यस फॉलोइंग दिस देयर वॉज द इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन इन 1864 द लॉस ऑबेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेर यूनिफाइड एंड फॉर्मुलेटेड बाई। यस बेटा तो ये तो सही ही था। यस ये वन फिगर 4.1A 1B एंड 1C है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं इन डिटेल लोन पर। यस तो ऑस्टेड ने बेटा ये चीज स्टार्ट कर दी थी मैग्नेटिक फील्ड वाली। यस देन इसके हमने लॉस बना दिए इन ईयर 1864। कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे बेटा, जेम्स मैक्सवेल हु देन रियलाइज्ड दैट लाइट वॉज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वन मार्कर एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट क्या है बेटा, इट इज नथिंग बट कंपोज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन कम्स अनदर साइंटिस्ट, रेडियो वेव्स वर देन डिस्कवर्ड बाय द हर्ट्ज। रेडियो वेव्स पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 जिसका जो टाइटल ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW। यस सो अगेन वन मार्कर क्वेश्चन, जेम्स मैक्सवेल हु देन रियलाइज दैट लाइट वॉज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई इशू नहीं है। उसका एक छोटा सा पार्ट रेडियो वेव होता है, किसने डिस्कवर किया था, हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट था, एंड प्रोड्यूस बाय, उसको किसने प्रोड्यूस किया था, जेसी बोस एंड जी मैकॉनी बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। उसको प्रोड्यूस किसने किया था लेबोरेटरी में, बोस एंड मैकॉनी एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। अगेन वन मार्क क्वेश्चन, रिमार्केबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस इन 20th सेंचुरी, नो इश्यूज। This is due to our increased understanding of electromagnetism and the invention of device for production, amplification, transmission and detection of electromagnetic waves. तो अभी हमारे पास वो भी उसके सारे के हर एक कॉन्सेप्ट थे, हमारे पास उसको गवर्न करने वाले लॉस भी थे, तो उसके लॉजिक लगा के हमने बहुत सारे डिवाइस क्या की है बेटा, डेवलप किया है। यस सो फिगर 4.1A, B, and C सबसे पहले यहाँ पे क्या ये चीज इंडिकेट करता है, तीन फिगर में पहली वाली फिगर को आप देखोगे सेंटर में बेटा आपको डॉट दिखाई दे रहा है, सेंटर में क्या है बेटा, डॉट दिखाई दे रहा है। व्हाट इंडिकेट्स करंट इज
कमिंग आउट ऑफ द पेज ऑफ द पेपर मतलब क्या है, अगर ये मेरा वायर है, अगर ये मेरा वायर है तो यहाँ पे जो करंट है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, कमिंग आउट ऑफ द पेज ऑफ द पेपर, करंट जो है बोर्ड से निकलेगा मतलब ये डायरेक्शन से आपकी तरफ आएगा, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, डॉट। सेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, डॉट सिंबल यूज किया है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग टुवर्ड्स यू, परफेक्ट। बाजू की जो फिगर है उसके अंदर बेटा क्या है, क्रॉस इंडिकेट किया, व्हाट दिस क्रॉस मींस कि अभी ये जो टिप पहले आपकी तरफ आ रही थी जो कि करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करती है, अभी वही टिप अंदर की तरफ चली जाएगी, व्हाट इट मींस कि करंट आपकी तरफ से आ रहा है और ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो डॉट मतलब कमिंग आउट ऑफ द पेज ऑफ द पेपर, ये हम सिंबल यूज करते हैं, राइट बेटा। क्रॉस सर्कल के अंदर क्रॉस किया, व्हाट इट मींस कि इट इज गोइंग इनसाइड, यस। नाउ यू अभी आपको किसके ऊपर बेटा फोकस करना है, कंपास के नीडल आपको छोटी छोटी दिख रही होंगी, जो डार्क ब्लू शेडेड रीजन है वो नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा एंड जो व्हाइट है वो क्या इंडिकेट करेगा, साउथ पोल इंडिकेट करेगा, राइट बेटा, परफेक्ट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में अगर आप लोग देखें तो करंट था कौन सी डायरेक्शन में, करंट था आपकी तरफ या इस तरफ, मतलब करंट हो गया ये प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर जनरेट होनी चाहिए। तो ये है बेटा गोइंग इनसाइड, दैट इज लेट अस से z डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, z का परपेंडिकुलर होता है y, तो ये डायरेक्शन में क्रिएट होगी, ये डायरेक्शन में, यस। सो इस तरीके से वायर जो है बेटा, ये वायर जो है ये है, करंट आपकी तरफ आ रहा है एंड ओके नो इश्यूज, एंड देन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट होती है, परफेक्ट। किस तरीके से हम आपको दिखाते हैं, डोंट वरी। अगर उसके एंड्स पे अगर हम मैग्नेटिक कंपास नीडल रखते हैं तो हर एक पॉइंट पे आपका जो कंपास का नीडल है वो बेटा अलग अलग डिफ्लेक्शन दिखाता है, यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल था नॉर्थ ईस्ट तरफ, साउथ ईस्ट तरफ, वही नीडल को जैसे जैसे हम कंपास को इस तरफ घुमाएंगे, यू गाइस कैन ऑब्जर्व दैट ब्लू कलर मतलब नॉर्थ साउथ ऐसा था, जब वो नीचे आ गया कैसा बन गया, साउथ नॉर्थ बन गया, ब्लू इस तरफ था, ये एंड पे आ गया, यस। तो जैसे जैसे आप कंपास के नीडल को घुमाते हो, आपकी जो कंपास को घुमाओगे आपकी जो नीडल है उसका भी डिरेक्शन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, यस। सेकेंड केस में हमने क्या इंडिकेट किया है, उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, डॉट की जगह क्रॉस, मतलब हमने करंट का डिरेक्शन चेंज कर दिया है, क्रॉस मतलब अभी करंट अंदर जा रहा है, अगर करंट अंदर जा रहा है तो कंपास के नीडल पहले जो डिफ्लेक्शन दिखाती थी ब्लू एंड व्हाइट था, अभी वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, व्हाइट एंड ब्लू हो गया, मतलब कंपास का जो नीडल है वो बेटा अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं वो भी अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, यस। तो एंड दिस इज द आयरन के पाउडर को अगर हम स्प्रिंकल करें तो ये सर्कुलर फॉर्म में वो इस तरीके से अरेंज हो जाता है जिसका फिगर हमें दिया है। सो फिगर 4.1 द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, हमने भी यही लिया था, वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो ये अगर आपका प्लेन है तो वायर को हमने परपेंडिकुलर लिया था इस तरीके से, है ना, ये अभी तो आपको आता है बेटा ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, इसको वायर है, इसको हमने परपेंडिकुलर लिया था। अ रिंग ऑफ कंपास नीडल सराउंड्स द वायर, तो एक कंपास नीडल की हमने एक रिंग बना दी है, यस बेटा, वायर के आजू बाजू द ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल इज शोन, यस, नीडल के अलग अलग ओरिएंटेशन हमने दिखाए है। केस ए, करंट इमर्जेस आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, डॉट है तो करंट आपकी तरफ आ रहा है, ये प्लेन, ये है हमारा वायर, तो करंट है वो कौन सी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ, पीछे से आएगा अंदर से निकलेगा आपकी तरफ, तो डॉट सिंबल, यस। सो करंट इमर्जेस आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, यस। इन फिगर बी, करंट मूव्स इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, करंट कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है, अरेंजमेंट, एंड देन फिगर सी, अरेंजमेंट ऑफ आयन फिलिंग अराउंड द वायर, द डार्कर एंड्स ऑफ द नीडल रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल, है ना, यस। तो क्या है बेटा, मैंने आपको बोला कि जो डार्क है ब्लू कलर वाला है वो कौन सा इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल, इफेक्ट ऑफ द अर्थ नीडल, ये फिगर में, हाँ बेटा ये फिगर में, यस, द इफेक्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन नेग्लेक्टेड, यस, रिजनली बोल दिया है, ओके, नो इश्यूज। तो अभी यही चीज को बेटा हम आप लोगों को करके दिखाएंगे इन द सेंस थोड़ा अच्छे से समझ में, इस तरीके से हमने आपके लिए बेटा फिगर बना के रखी है, यस।
सो दिस इज द सर्किट, ये कोई भी सर्किट हो सकती है, हमने एक नॉर्मल से सर्किट बनाई है, आप बोला यस बेटा हमारे पास की है, हमारे पास बल्ब है, अगेन की है एंड हमारे पास कंपास का नीडल है, यस। तो ये क्या मतलब, अब तक हमने जो देखा वो क्या इंडिकेट कर रहा था, ऑर्स्टेड कोई तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोई बात नहीं है, उसने क्या किया, करंट पास किया, तो हम करंट पास कराते हैं, यस हम क्या कराते हैं बेटा, चलो हम करंट पास करा देते हैं आपके लिए, वेट अ मिनट भाई साहब, ओके वेट अ मिनट बेटा, यस यस ये हो गई बेटा सर्किट हमने बंद कर दिया। अगर हम सर्किट को बंद करेंगे, अगर हम सर्किट को बंद करेंगे तो बेटा क्या हुआ, लाइट ने ग्लो किया, मतलब क्या अभी करंट फ्लो हो रहा है। अगर आपको पता है बेटा कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट जैसे कि हम सबने पढ़ा है बेटा, करंट कौन से डिरेक्शन में फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, कि बंद हो गई है, पाथ क्लोज हो चुका है, यहाँ पे करंट गया, रास्ते में बल्ब आया, करंट ग्लो किया, मतलब सर्किट चालू है, यस। तो जैसे ही बेटा करंट हमने पास किया, जैसे ही हमने करंट पास किया, इसके आसपास ये जो वायर है उसके आसपास बेटा क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाती है, क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाती है, जिसका सेंटर ये जो हमने सर्कल बनाया उसका ही सेंटर होता है, यस। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ऑर्स्टेड ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने करंट पास किया, बाजू में कंपास नीडल थी, सडनली उसने क्या देखा कि जब उसने करंट पास किया, ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखाता है लेटस से, कि उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया यस बेटा, तो कंपास का जो नीडल है पहले ऐसा था, आफ्टर सम टाइम जब उसने करंट पास किया तो जो ओके वेट अ मिनट कंपास का नीडल है वो जो है बेटा इस तरीके से मुड़ा, यस। तो कंपास के नीडल में कौन से डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन दिखाया बेटा, कंपास का जो नीडल है उसने कौन से डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन दिखाया, पहले ऐसा था फिर इस तरफ मुड़ गया, परफेक्ट। ओके नेक्स्ट, अगर हम करंट का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, अगर हम करंट का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, दैट इज अगर हम बैटरी बदल देंगे तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, अगर हम बैटरी का वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं तो उसने क्या देखा कि पहले जितना रिफ्लेक्शन है नो इश्यूज, पहले जितना रिफ्लेक्शन है उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, पहले जितना रिफ्लेक्शन था उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन हुआ, यस। आई होप इट आपको समझ में आ रहा है, परफेक्ट। पहले सीधा था, कोई करंट नहीं था, जैसे करंट पास किया लेटस से नीडल ने इस तरफ रिफ्लेक्शन दिखाया, अगर हमने करंट का इंटेंसिटी बढ़ाया तो और डिफ्लेक्शन कर गया, यस परफेक्ट। नेक्स्ट कि बेटा अभी हम क्या करेंगे, बैटरी के टर्मिनल को हमने उल्टा कर दिया, बैटरी के टर्मिनल को हमने क्या कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया। अगर हम बैटरी के टर्मिनल को उल्टा कर दिया है तो अभी जो हमारा करंट है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, हमारा जो करंट है कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा है, तो करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इस ओके नो इश्यूज, जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब करंट अब इस तरीके से जाएगा, तो पहले वाले केस से जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पहले इस तरफ करंट जा रहा था अभी इस तरफ करंट जा रहा है, तो पहले जो डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा, मतलब नीडल ऐसी थी इस तरफ मुड़ी थी, अगर हम करंट का डिफ्लेक्शन को चेंज कर देते हैं तो ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि ये जो नीडल है अभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन दिखाएगी, यस। करंट के डायरेक्शन बदलो, कंपास का नीडल का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, नॉट ओनली दैट करंट का इंटेंसिटी चेंज करो तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ता है, यस। नेक्स्ट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ पे इतना रिफ्लेक्शन है, अगर यही कंपास के नीडल को और मैं अगर यही कंपास के नीडल को अगर हम लोग और नजदीक लेके आते हैं और नजदीक लेके आते हैं बेटा, तो क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन है वो और बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, यस। तो दो तीन चीज आपको बेटा समझ में आई क्या, कि जब जब करंट पास करते हैं तब तब क्या होगा बेटा, यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि जब जब हम करंट पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा,
है ना, कंपास का निडल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर करंट बढ़ाओगे कंपास का निडल का डिफ्लेक्शन बढ़ता है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हो, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज होता है, इट मींस कि बी का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। एंड लास्ट कि अगर दोनों जितने नजदीक आते हैं, जितने दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे उतना डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे स्ट्रांग होगा, दूर चले जाओगे थोड़ा वीक होगा, और दूर चले जाओगे वीक होगा, सेंटर पे हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे जैसे दूर जाओगे चेंज होना चाहिए। तब भी हम नजदीक थे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन मिला, दूर गए तो कम डिफ्लेक्शन मिला। यस, सो दिस इज अबाउट द ऑर्स्ट्रिस एक्सपेरिमेंट, हमें जो जानने को मिला ये वो चीज थी बेटा। एंड अगर आप डायरेक्शन बदलोगे, तो हर एक टाइम पे वो क्या करेगी बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। यस, नेक्स्ट चीज बेटा हम आपको सिखा रहे हैं डॉट एंड क्रॉस वाला, है ना, कौन सा डॉट एंड क्रॉस वाला। यस, परफेक्ट। तो यहाँ पे बेटा हमने आपके लिए वायर प्लॉट करके रखे हैं। तो जैसे ही आप अभी आपको पता है बेटा कि व्हेन एवर वी पास सम अमाउंट ऑफ करंट, जब हम ये वायर में से करंट पास करेंगे, तो क्या क्रिएट होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी, है ना। तो दिस इज व्हाट यू गाइस कैन सी दैट कि ये जो है करंट इस तरफ जा रहा है, यही चीज को अगर आप सामने से देखोगे, करंट इज गोइंग इनसाइड, है ना, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा मान लीजिए। यस बेटा, करंट ये डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड के लूप बनेंगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर का वायर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से, ब्लू कलर का जो है वो है वायर है। एरो क्या इंडिकेट करता है, हमने करंट पास किया है, हम करंट पास कर रहे हैं, तो जैसे ही हम करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है आपके लिए, ये जो रिंग्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करती है। अभी आपको क्या देखना है कि हमने करंट पास किया, कौन से डिरेक्शन में करंट पास किया, ये वाले डिरेक्शन में। तो जो डिरेक्शन में करंट है वो डिरेक्शन में आपका थंब आना चाहिए, जो डिरेक्शन करंट जा रहा है वो डिरेक्शन में आप क्या अलाइन करवा दोगे, आपका थंब। यस, तो थंब लगा लीजिए इस तरीके से। तो आपका जो कर्ल बनेगा, आपका जो ये जो फिंगर्स है उसका जो कर्ल बनेगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन देगा। वो आपको क्या देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन देगा। पहले मैं आपके लिए बनाता हूँ, लेट अस सी, मेरा थंब है जो कि करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ये मेरी जो फिंगर्स है उसका अभी हम कर्ल बनाएंगे ये आपको दिखाने के लिए। यही चीज हमारे में करंट ऊपर जा रहा है, यही चीज को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो जो कर्ल है, वो बेटा इस तरीके से आ रही है, यहाँ से निकलेगी, गोल घूमते इस तरफ आ रही है, तो करंट ये डायरेक्शन में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में घूम रही है, इस तरफ घूम रही है, इस तरफ आएगी। यस, सो करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है किस तरफ आ रही थी, यहाँ से निकल के गोल ऐसा बना रही है। यस, यू गाइस कैन सी दैट। तो हम उसी चीज को इंडिकेट करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो एक गोल बनाएगी, कौन से डायरेक्शन में आएगी, यहाँ से निकलेगी, ऐसा आएगी, एंड क्लोज लूप बनाएगी, है ना। यस, अगेन यहाँ पे भी ऐसा होगा बेटा कि निकलेगी, इधर आएगी। यस, यहाँ पे भी ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगी बेटा, क्लोज लूप बनाएगी। यस, तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, यू विल फाइंड दैट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। घड़ी का कांटा किस तरीके से घूमता है, ये वाले केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से रोटेट हो रही है, इस तरीके से आ रही है, यहाँ से जा रही है, राइट बेटा। घड़ी का कांटा ऐसे जाता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस, प्लीज डू रिमेम्बर दिस, इसको नोट डाउन करना है आपको, है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अभी हम करंट का डायरेक्शन को रिवर्ट कर देते हैं, इस तरीके से करेंगे, करंट की डायरेक्शन बदल गई है, कौन से डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे मतलब ये हो गया, तो ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन। अभी ये मेरा जो कल है उसको हमें बंद करना पड़ेगा, कल को बंद करेंगे तो ऐसा आएगा। मीन्स क्या,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली, गोल घूम के ऐसा आएगी, है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, ऐसा बनेगी, ऐसा कल बनेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आएगी। यस बेटा, तो ये वाले पर्टिकुलर केस में, ये वाला जो पर्टिकुलर केस है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कौन से डिरेक्शन में आएगी, कौन से डिरेक्शन में आएगी, ये डिरेक्शन में इस तरीके से आ रही है। परफेक्ट, यस, ये डिरेक्शन में आ रही है, ये डिरेक्शन में आ रही है, यस। सो दिस इज नथिंग बट द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो घड़ी का काटा भी इसी तरीके से घूमता है ना, घड़ी का काटा भी इसी तरीके से घूमता है। तो अगर ऐसा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लॉक वाइज डिरेक्शन। इन दिस केस इट इज एंटी क्लॉक वाइज, दिस इज क्लॉक वाइज, यस। परफेक्ट, अगर पेज के अंदर जा रहा है, गोइंग इन साइड, हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, क्रॉस, सर्कल के अंदर क्रॉस किया होगा, है ना। और इफ इट इज कमिंग आउटसाइड हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, डॉट, यस। परफेक्ट, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे बेटा, यस। सो यस, नेक्स्ट, यही चीज यहाँ पे भी लिखी होगी, इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाता है ये देखेंगे। मूविंग चार्ज पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड करंट कैरिंग वायर्स, यस। वी शैल ऑल्सो लर्न हाउ करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, यस बेटा, जो चार्ज पार्टिकल फ्लो होगा वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, वी शैल सी हाउ पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज इन साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लास है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम चार्ज पार्टिकल को किस तरीके से एक्सेलरेशन दे सकते हैं, यस। देन वी शैल स्टडी हाउ करंट्स एंड वोल्टेजेस आर डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर। फिर हम लास्ट पोर्शन में देखेंगे गैल्वेनोमीटर, यस। सो इन दिस सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑन द मैग्नेटिज्म वी अडॉप्ट द फॉलोइंग कन्वेंशन, यस। हम ये लोग ने बोला है, ये कन्वेंशन मानेंगे, मेरा नहीं है घर का। अ करंट और अ फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इमर्जिंग आउट, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, अगर वो बाहर आ रहा है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इट इज डिटेक्टेड बाय डॉट। जहां पे डॉट है मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड अ करंट और अ फील्ड गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिटेक्टेड बाय क्रॉस। अगर अंदर जा रहा है तो क्रॉस सिंबल यूज करेंगे, हमने ऑलरेडी कर दिया है, आपको समझा भी दिया है, यस। महान और स्टेट बाबा यहाँ पे दिए है, पढ़ना है तो यू कैन डू दैट, यस। नाउ नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 4.2, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फोर्स, यस। आज हमें यही टॉपिक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फोर्स, यस। इसके अंदर मोर देन 80% जो थियरी है ऑलरेडी हमें पता है, तो डोंट वरी। 4.2.1, सोर्सेस एंड फील्ड्स, यस। बिफोर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी शैल कॉन्सेंट्रेट अवर सेल्फ whatever we have learned in the chapter number 1 about the electric field, the electric field ka to beta hamare sab bachcho ka concept bahut acha hai, yes. maine aapko jo bola tha agar aage ke chapter bahut acche se aayenge to piche ke chapter bhi bahut aaram se nikal jayenge, ye chapter mein aapko advantage samajh mein aayega, yes. so we have seen that the interaction between the two charges can be considered in two stages. जब हम दो चार्ज पार्टिकल को नजदीक लेके आते हैं तो क्या क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है। अगर दोनों चार्ज जो है वो अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्ज है, रिपल्सन होगा, यस। द चार्ज क्यू, यस, टू स्टेजेस, द चार्ज कैपिटल क्यू, द सोर्स ऑफ द फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां जहां चार्ज पार्टिकल होता है बाय डिफॉल्ट वहां वहां क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, ये भी हमें पता है। परफेक्ट, एंड अगर आप सबको बेटा याद हो तो ई का जो फॉर्मूला था वो कौन सा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज 1/4 pi epsilon naught, विच इज नथिंग बट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एंड एस यू गाइस कैन सी दैट हमने डायरेक्ट लेटर में लिखा, इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है देन वी हैव टू यूज द यूनिट वेक्टर, हमें नहीं पता है कौन सा डायरेक्शन है। सो इन जनरल यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है, वी हैव रिटन आर कैप। सो व्हाट इज द आर कैप, इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द आर, यस। सो ये कुछ नहीं है बेटा, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने जो फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला लिखा था वही है, ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अ चार्ज क्यू, ये तो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। जब एक ये चार्ज के
प्रेजेंस में हम दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, स्मॉल क्यू को लेके आएंगे, क्या एग्जर्ट होगा बेटा? फोर्स एग्जर्ट होगा, है? यस, सो अ चार्ज स्मॉल क्यू इंटरैक्ट्स विद द फील्ड एंड एक्सपीरियंसेस द फोर्स एफ गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई. हमें ये भी पता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू इनटू ई. तो यही फॉर्मूले को अगर हम स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई करते वी विल गेट दिस फॉर्मूला KQQ/R2. ये भी हमें पता है S pointed out, okay, ये पता है, no issues. S pointed out in the chapter number 1, the field E is not just an artifact but has a physical role. है ना बेटा, उसका मीनिंग क्या है वो भी हमने समझा था. इट कैन कन्वे द एनर्जी, वो अपने साथ क्या लेके जा सकता है, एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों. एंड इट इज नॉट एस्टेब्लिश इंस्टेंटेनियसली बट टेक्स अ फाइनाइट टाइम टू प्रोपागेट. उसको टाइम लगेगा बट वो लेके जा सकता है. अगर ये चीज याद नहीं है, अगेन आगे के अपकमिंग चैप्टर्स में भी यही चीज हमें वापस सीखनी है. यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वाज स्पेशली स्ट्रेस्ड बाय द फैराडे एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द मैक्सवेल इन हिज यूनिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. फैराडे का ऑलरेडी हमने देखा है कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, मैक्सवेल का आगे के चैप्टर में आएगा. डोंट वरी, कुछ मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट स्टोरी दिया है इन ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट में. यस, इन एडिशन टू डिपेंडिंग द सॉरी इन एडिशन टू डिपेंडिंग ऑन द ईच पॉइंट इन द स्पेस इट कैन ऑल्सो वेरी विद टाइम. दैट मीन्स बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. यस बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी कर सकता है, नो इश्यूज. In our discussions in this chapter, we will assume that the fields do not change with time. Actually, में vary कर सकता है, जो कि हम vary कराएंगे chapter number 8 में. यहाँ पे हमने बेटा ये condition मान के चलते हैं कि हमारा जो magnetic field है and electric field है, time के साथ change नहीं हो रहा है. ये चीज बेटा आपको याद रखनी है. ये line अगर आप भूल गए, वापिस question होगा. प्लीज बेटा नोट डाउन कर लीजिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारी टेक्स्ट बुक बोल रही है. थ्रू आउट द चैप्टर वी विल नॉट चेंज. यस, सो फील्ड विल नॉट चेंज एट द गिवन प्रॉब्लम. यस, द फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी ड्यू टू द वन और मोर चार्जेस. यस बेटा, जो फील्ड क्रिएट होता है एक या एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से भी क्रिएट हो सकता है, नो इश्यूज. इफ देयर आर मोर चार्जेस द फील्ड एट वेक्टोरियली. यस, एक से ज्यादा चार्ज है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है. वी कैन यूज द वेक्टर रूल एडिशन, वेक्टर रूल एडिशन ये भी हमें आता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर नंबर 1 दैट दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. जो वहां पे यूज किया था यहाँ पे भी वही यूज करने वाले हैं. अगेन कुछ नया नहीं है. वंस द फील्ड इज नोन द फोर्सेस ऑन द टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4.2. एक बार अगर आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप लोग ये जो इक्वेशन यूज कर सकते हैं. ऑलरेडी हमने किया है, सो डोंट वरी. यस, नेक्स्ट, जस्ट ए स्टैटिक चार्ज चार्जेस प्रोड्यूस इज द इलेक्ट्रिक. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है बेटा. यस, स्टैटिक चार्ज मतलब चार्ज रेस्ट पे होता है तो बाय डिफॉल्ट वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. यस, ग्रेट. The currents or the moving charge produces a magnetic field. Yes. क्या नया सीखने को मिला? चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. लेकिन अगर वही चार्ज को हम सर्किट के अंदर पास कराएंगे, वो मोशन में आ जाएगा, वो क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. किस तरीके से? अभी हमने देखा करंट को पास कराया, आजू बाजू आपने क्या क्रिएट किया बेटा? सर्कुलर लाइन, जो कि किसकी थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की. तो करंट और मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. बी, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी, विच इज अ फंक्शन ऑफ आर. बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, बी इज अ फंक्शन ऑफ आर मतलब क्या? जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, है ना. हमने भी दिखाया किस तरीके से कि हमारा जो सर्किट था उसके अंदर कंपास का नीडल नजदीक रखा था, कंपास का नीडल नजदीक था तो अलग डिफ्लेक्शन था. कंपास का नीडल जैसे जैसे दूर गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी का डिक्रीज हो गया, डिफ्लेक्शन कम हो गया. अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे सोर्स से दूर चले जाओगे उसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा, है ना. यस, तो लेट अस से कि ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पे करंट पास कर रहे हैं तो नजदीक के एरिया में बेटा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. जैसे जैसे दूर चले जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी. हर एक बार ऐसा होता है, हर एक चीज में ऐसा ही तो होता है. यस,
अगेन इट इज अ वेक्टर फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेक्टर है, वेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे. इट हैज सेवरल बेसिक प्रॉपर्टीज विच आर आइडेंटिकल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगेन मैंने बोला था फर्स्ट चैप्टर ध्यान से करोगे, यहाँ पे भी लिखा है बहुत सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है. डोंट वरी, इट इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन स्पेस. हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, नो इश्यूज. एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इट इज फाउंड टू ऑबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. यस, अगर हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज द वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल सोर्सेज. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि रिजल्टेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल क्वांटिटीज. तो यही तो लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज नथिंग बट द वेक्टर एडिशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्सेज. यस, रिजल्टेंट इज नथिंग बट हरिका एडिशन. यस, परफेक्ट. सो नाउ द 4.2.2 मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंट्ज़ फोर्स. यस, ये वाला टाइटल लिख लीजिए बेटा, लॉरेंट्ज फोर्स. इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, लॉरेंट्ज फोर्स इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे. यस, सो बिफोर वी मूव टू द लॉरेंट्ज फोर्स, उसके जो रूल्स है, उसको गवर्न करने वाले जो रूल्स है, 1 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 4 है, उसको हम डिटेल में स्टडी करें. उसके पहले बेटा अगेन सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करेंगे. यस बेटा, आपके लिए हम हर एक ट्राई कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज आराम से समझ में आ जाए. परफेक्ट. सो यस, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी सेम लिखा है चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. परफेक्ट. यस बेटा, बहुत सारी चीज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होंगी, हर एक चीज मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ बेटा. पिंक कलर का जो आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड में बेटा ग्रे कलर का लाइन है वो और कुछ नहीं है, ग्राफ के लिए हमने लिया है, मार्जिन के लिए. पिंक कलर का आपको जो लाइन दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का जो लाइन दिखाई दे रहा है वो किसके लिए है बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट करती है. मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है. यस, बीच में आपको एग्जैक्ट बीच में आपको एक रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमने प्लस का सिंबल लगा के रखा है. व्हाट दिस इंडिकेट्स कि हमने जो चार्ज यहाँ पे लिया है वो पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन भी हो सकता है, आप इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो. यस, हम लोग लेंगे डोंट. ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. हम जो लॉरेंट्ज फोर्स के इक्वेशन बनाने वाले हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, उसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे. मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो जो लॉस है, वो इक्वेशन है, वो किस तरीके से बनाए गए हैं. यस, विथ प्रूफ. परफेक्ट. सो फील्ड इज अप द स्क्रीन, आपको दिखाई दे रहा है फील्ड लाइन से वो ऊपर की तरफ जा रही है, अप द स्क्रीन, नो इश्यूज. ओके, परफेक्ट. नीचे आपको बेटा दिया गया है कि इन दिस सिमुलेशन यू कैन इन्वेस्टिगेट द फोर्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल. का एक्सपेरिमेंट किसके लिए है, जब चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो क्या होगा उसको हम स्टडी करेंगे. दिस फोर्स हैज सम थिंग्स इन कॉमन विद द फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट. यस, तो जैसा कि हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी लिखा गया था कि इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है, किसके जैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आता, बट देयर आर आल्सो की डिफरेंस बिटवीन देम. लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंस भी है, तो कौन सी सिमिलरिटी है, कौन सा डिफरेंस है, ये भी हम लोग देखेंगे. One thing that is apparent in the simulation is that one possible outcome of a magnetic field applying a force on a charged particle is that particle experiences the uniform circular motion. Yes. तो बेटा जब भी ये चार्ज पार्टिकल को अभी हम मूवमेंट कराएंगे, मोशन देंगे, वेलोसिटी देंगे, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्क्यूलर पाथ ओबे करता है. यस, क्यों सर्क्यूलर पाथ है उसके रीजन भी हमें मिलने वाले हैं. So exploring the magnetic force will also give a chance to review the circular motion concept. Yes. तो अगर आपका 11 का circular motion का concept है, अगर आपको उसको revise करना है, यहाँ पे वो भी chance आपको मिलेगा. Yes. So again, background में graph है, pink color की line magnetic field lines है, जो कि अभी ऊपर की तरफ जा रही है. Exact बीच में हमने positive charge को लाके रखा है. Yes.
पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है, पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं वेलोसिटी दूंगा, मतलब उसको हम आगे फ्लो कराएंगे, कौन से डायरेक्शन में आगे फ्लो कराएंगे, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है तो मैं चार्ज पार्टिकल को भी सीधा ऊपर ही डालूंगा। यस, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में हम चार्ज को भी आगे की तरफ भेजेंगे, पैरेलल टू द फील्ड। यस, कौन सा है बेटा, पैरेलल टू द फील्ड। यस, सो लेट मी अलाउ टू स्टार्ट दिस पैरेलल टू द फील्ड। आपको ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सी दिस। ओके, यस, परफेक्ट, चार्ज पार्टिकल निकला 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 निकला। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है, आइडियली हमने तो उसको यही डायरेक्शन में डाला था, चार्ज पार्टिकल वही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ गया। व्हाट इट मींस, मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल को कोई भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं किया, कुछ भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं किया, मतलब कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं कर पाया। परफेक्ट, तो इससे हमें क्या जानने को मिला कि व्हेन चार्ज पार्टिकल आर रिलीज्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज पार्टिकल आर रिलीज्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब एंगल थीटा का वैल्यू जीरो होता है, देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स। परफेक्ट, तो आपको क्या सोचना है कि ऐसा ट्रिगोनोमेट्री में मेरे पास ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसमें अगर एंगल हम जीरो करते हैं, एंगल हम जीरो करते हैं तो मेरा आंसर जीरो आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर एंगल पैरेलल मतलब थिंग इज पैरेलल मतलब एंगल जीरो है तो आंसर जीरो देता है। साइन या कॉस सोच के रखना, साइन में जीरो रखो तो आंसर जीरो आता है या कॉस में जीरो रखो तो आंसर जीरो आता है। यस, परफेक्ट, अभी हम इसको वापिस कराते हैं, लेकिन पैरेलल की जगह मैं क्या कराऊंगा बेटा, परपेंडिकुलर। यस, पैरेलल की जगह अभी मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर कर दिया है। नाउ फील्ड इज इनटू द स्क्रीन, मतलब क्या है बेटा, यस क्रॉस दिखाई दे रहा है आपको, क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द पेज ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, आपसे आपकी तरफ से आ रही है, इस तरफ अंदर जा रही है। क्रॉस की जगह अगर डॉट आ जाए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आएगी। यस, मैंने आपके लिए जो केस बना के रखा है दैट इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द पेज ऑफ द पेपर, इस तरीके से अंदर जाएगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अंदर जाएगी तो अभी क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके बाद हम समझेंगे लॉरेंस फोर्स। आई बिलीव लॉरेंस फोर्स ही है, उसका सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग कर रहे हैं। यस, नाउ यू गाइस कैन सी दैट इसके पहले वाले केस में एक ही चार्ज आपको दिखाई रहा था जो कि था पॉजिटिव चार्ज। यस, नाउ मैंने आपके लिए बेटा तीन चार्ज लाके रखे हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज न्यूट्रल एंड थर्ड वन इज नेगेटिव चार्ज। पहला वाला कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा वाला कौन सा है, न्यूट्रल चार्ज है। तीसरा वाला कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। यस, अभी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो डिरेक्शन में है, गोइंग इनसाइड द पेज ऑफ द पेपर है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम उसको वेलोसिटी देंगे, है ना। यस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर मतलब कौन सा, पहले तो गोइंग इनसाइड द पेज ऑफ द पेपर, गोइंग इनसाइड द पेज ऑफ द पेपर तो क्या है कि लेट अस से ओके चलो वो कॉन्सेप्ट है, उसके पहले बेटा हम कोऑर्डिनेट्स वाला आपको वापस याद करा देते हैं। यस, तो ये है हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के रूल। क्रॉस प्रोडक्ट के रूल बेटा कौन कौन से है, आई क्रॉस जे के होता है, 11th स्टैंडर्ड जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है, सबको आता है ये वाला, है ना। यस, इसका उल्टा अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे, आई जे की जगह जे आई ले ले, दैट इज जे क्रॉस आई माइनस के होता है, के क्रॉस जे माइनस आई होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, ये नोट डाउन कर दीजिए। यस, आई के बाद जे के बाद के, जे के बाद के बाद आई एंड सो ऑन, बहुत अच्छे से सबको आता है। यस, सो प्लीज नोट डाउन दिस। Yes guys, I hope note down कर लिया है, let us move to the next। यहाँ पे हमने आपके लिए coordinates बना के रखे है, coordinates क्यों बना के रखे अभी समझ में आएगा वो चीज। ये है x, ये है y, ये है z। Yes,
पॉजिटिव एक्स यूनिट वेक्टर आई कैप, पॉजिटिव वाई यूनिट वेक्टर जे कैप, पॉजिटिव जेड यूनिट वेक्टर के कैप। जेड डायरेक्शन कौन सी होती है? कमिंग टुवर्ड्स यू, कमिंग टुवर्ड्स यू, यस। तो लेट अस से ये एक्स हॉरिजॉन्टल एक्स, ये वाई है, तो जेड एक्चुअली इस तरफ आती है आपकी तरफ, है ना। लेकिन बोर्ड तो मेरा 2D है तो मैं कैसे दिखाऊंगा। तो ये है कमिंग टुवर्ड्स यू। इफ इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू मीन्स इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज ऑफ द पेपर, बोर्ड से बाहर निकल रहा है। अगर वो बाहर निकल रहा है कौन सा सिंबल यूज करोगे? डॉट। सो कमिंग आउटसाइड वी हैव टू यूज द डॉट सिंबल, यस। नेक्स्ट कि x की जगह नेगेटिव x लिया है, y की जगह नेगेटिव y, z की जगह नेगेटिव z। तो अगर पॉजिटिव z इज कमिंग टुवर्ड्स यू देन नेगेटिव z मस्ट बी गोइंग इनसाइड द पेज ऑफ द पेपर, आपसे निकल के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाके हम तो देख नहीं सकते, इसलिए इमेजिनरी डॉटेड लाइन दिखाया है। डॉटेड लाइन इमेजिनरी लाइंस है बेटा। सो दिस इंडिकेट्स गोइंग इनसाइड मतलब क्रॉस होगा। गोइंग इनसाइड मतलब कौन सा सिंबल यूज करेंगे? क्रॉस सिंबल, क्रॉस सिंबल, यस। सो परफेक्ट, हमारे में वही चीज है, क्रॉस सिंबल हमने यूज किया है, यस। सो परफेक्ट, यस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस। सो हमारे पास तीन चार्ज है, डू रिमेम्बर दिस। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, गोइंग इनसाइड मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन, गोइंग इन साइड मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन, यस। तो जेड के बाद हम जो अपने पार्टिकल को रिलीज करा रहे हैं वो है वाई डायरेक्शन। एरो ब्लैक एरो आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब वाई डायरेक्शन, यस। वाई एंड जेड परपेंडिकुलर होता है, यस। सो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन साइड, बी अंदर की तरफ है, एंड हमारा जो वेलोसिटी का जो वेक्टर है, वेलोसिटी का वेक्टर वो ऊपर की तरफ है, परफेक्ट। तो हमें कौन सा हमें कौन सा टेक्निक यूज करना है? डू रिमेम्बर दिस। पहले तो आपका जो हाथ है उसको ले लो बेटा, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर का हम लोग यूज करेंगे, परफेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज गोइंग इनसाइड, इफ इट इज गोइंग इनसाइड, ये एंड ये, परफेक्ट। ये है मेरा वाई डायरेक्शन, दिस इज माय वाई डायरेक्शन, दिस इज माय एक्स डायरेक्शन। यू गाइस कैन सी दैट दिस टू आर परपेंडिकुलर, ये है वाई, ये है एक्स, वो दोनों के भी परपेंडिकुलर, मतलब ये जो ये फिंगर है दैट इज जेड डायरेक्शन, यस। यू गाइस कैन सी दैट दिस थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको किस तरीके से याद रखना है? आप लोग गेम खेलते हो स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, यस। एक्चुअली ये हाथ यूज करना है, डोंट वरी, पहले चलो इस तरीके से आप लोग याद रखो, यस। This is y, this is x and this is z. Now, अभी मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर जा रहा है ना, तो इसी चीज को अगर मैं इस तरह, ये वाली चीज आपको दिखाई दे रही होगी, इसी चीज को मैं इस तरीके से इंडिकेट करूंगा, यस। तो ये वाली जो फिंगर है अंदर जा रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करती है, ये वाली जो फिंगर है वो वेलोसिटी इंडिकेट करती है। तो ये गया मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेलोसिटी, तो इसका जो रिजल्टेंट है इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, यस बेटा। तो हम देखते हैं, हम मोशन को स्टडी करेंगे, यस। सो एज यू गाइस कैन सी दैट मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यस। तो बहुत ही मस्त डायग्राम आपके लिए बन चुका है बेटा। न्यूट्रल चार्ज को तो किसी तरीके से इफेक्ट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट चार्ज ही नहीं है तो किस तरीके से इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है उसको ये भाई साहब ने किस तरीके से बेटा इंडिकेट किया, किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया? हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड जो की है अंदर की तरफ, ये है वेलोसिटी वेक्टर, हमने उसको पहले ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था। मेरा जो चार्ज है इस तरफ गया, इस तरफ मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गया, कौन से डायरेक्शन में गया? नेगेटिव एक्स में, यस। तो इस तरीके से हुआ बेटा ये चीज, इस तरफ गया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गया, डोंट वरी इसको हम समझाएंगे। नाउ अभी सिचुएशन मैंने क्यों पॉज किया है, बहुत ध्यान से देखना कि अभी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो नीचे की तरफ आ चुका है, अभी वेलोसिटी वेक्टर जो है नीचे की तरफ आ चुका है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड, और जो वेलोसिटी पहले ऊपर थी अभी वो नीचे हो गई है, तो मुझे मेरे एंगल को चेंज करना पड़ेगा, अभी ये हो जाएगा मेरा ऐसा, यस। तो ये सॉरी, ये है मेरा वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये गया अंदर की तरफ, नाउ वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स है वो ये डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये डायरेक्शन में, तो ये होगा मेरा रिजल्टेंट का, ये होगा मेरा रिजल्टेंट का, यस। तो ये आई होप इट आपको दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव एक्स की तरफ जाना चाहिए, ये वाला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव एक्स की तरफ जाना चाहिए, लेट अस सी दिस, यस। तो इस तरफ गया है ना, परफेक्ट, वेट अ मिनट, यस, ओके, अगेन ओरिजिनल सिचुएशन आ गई है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का ये फिंगर ये रहा, वेलोसिटी अंदर की तरफ, तो रिजल्टेंट इस तरफ मेरी तरफ आएगा, तो चार्ज पार्टिकल इस तरफ आना चाहिए, पॉजिटिव के ऊपर ही फोकस करना है ना, नेगेटिव वाला बाद में समझेंगे, यस, परफेक्ट, यस। सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन सी दैट एवरी टाइम जो ओके सर्कुलर मोशन भी है, एवरी टाइम वो क्या हो रहा है, अपने डिरेक्शन चेंज कर रहा है, ओके, यस। सो हम इसको रिसेट कर देते हैं, परफेक्ट। सो एक ये चीज आपने देखी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, चार से निकल के दो पे जा रहा है, मतलब क्या है बेटा, इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर होगा एंड डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना वो ले रहा है 2 सेंटीमीटर का, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, पहले वाले केस में डायमीटर था 2 सेंटीमीटर। लेटस से अभी स्पीड वी है, हमने कितने स्पीड से उसको ऊपर की तरफ भेजा था, वी जितनी स्पीड से, अभी मैं क्या करूंगा, वी की जगह में स्पीड को डबल करूंगा, स्पीड को क्या करूंगा बेटा, डबल करूंगा, तो डबल द स्पीड, वी को चेंज किया, देखते हैं क्या फर्क आता है, वी को चेंज किया, परफेक्ट 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 परफेक्ट, क्या फर्क आया, क्या फर्क आया बेटा, पहले वो नजदीक के सर्कल से आ जाता था, अभी वो पूरा दूर घूम के आ रहा है, मतलब पहले उसका रेडियस था 1 सेंटीमीटर, डायमीटर था 2 सेंटीमीटर, उसकी जगह उसका पाथ डबल हो गया, पाथ क्या हो गया बेटा, डबल हो गया, यस। सो अगर हमने वेलोसिटी डबल किया, उसका रेडियस भी डबल हो गया, परफेक्ट, यस, बड़े पाथ पे वो घूम रहा है भाई साहब, है ना, यस, ग्रेट, बड़े पाथ पे घूम रहा है, डोंट वरी, हम लोग 2 राउंड कंप्लीट करा देते हैं ये इसको, ऑलमोस्ट, यस बेटा, ऑलमोस्ट 12 सेकंड हुआ, यस। नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को ही लेंगे, एक क्यू, दूसरा 2 क्यू, तीसरा 3 क्यू, यस, पहला वाला है क्यू, दूसरा है 2 क्यू, तीसरा है 3 क्यू, मतलब अगर चार्ज का वैल्यू अलग अलग है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से फोर्स अप्लाई करता है, पहले क्या देखा है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, नॉर्मल केस, पैरेलल गया कुछ इफेक्ट नहीं आया, फिर हमने परपेंडिकुलर डाला तो गोल गोल घूम रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज किया तो बड़े पाथ पे घूम रहे हैं, मतलब फोर्स बढ़ गया बेटा, अभी हम देखते हैं क्या होता है, यस, चार्ज का अलग अलग वैल्यू है तो अलग अलग चार्ज के वैल्यू को, अलग अलग चार्ज के वैल्यू को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कम चार्ज है छोटे रेडियस पे घूमता है, बड़ा चार्ज है वो बड़े रेडियस पे घूमेगा, अनदर थिंग, वेट अ मिनट, हम इसको वापस स्टार्ट करते हैं बेटा, आपको क्या देखना है, प्लस क्यू वाला चार्ज है वो जल्दी राउंड कंप्लीट कर लेगा, 2 क्यू वाले चार्ज को ज्यादा टाइम लगेगा, 3 क्यू वाले चार्ज को और ज्यादा टाइम लगेगा, यस। सो वेट अ मिनट, यस, क्या समझ में आया बेटा, कम चार्ज है जल्दी जल्दी रोटेशन कंप्लीट करता है, बड़ा चार्ज है क्योंकि रेडियस बड़ा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, ये सबसे जल्दी कंप्लीट हो गया है, ये अबाउट टू कंप्लीट है, ये तो आधा भी कंप्लीट नहीं किया है, यस। सो चार्ज अगर अलग अलग होगा तो भी फोर्स बदलेगा, तो अब तक हमने क्या देखा, एक तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, पैरेलल या परपेंडिकुलर आंसर चेंज हो गया, परफेक्ट, दूसरा वेलोसिटी चेंज किया तो आंसर बदल गया, तीसरा चार्ज का वैल्यू चेंज किया तो आंसर बदल गया, नेक्स्ट वेलोसिटी का डबल द स्पीड किया, अभी अभी हम और एक केस लेते हैं बेटा, पहले का वी, दूसरे का 2 वी, तीसरे का 3 वी, यस, क्या होना चाहिए देखना है बेटा, क्या होगा देखना, यस, एक साथ ही घूम रहा है, ऑलमोस्ट एक साथ घूम रहा है क्योंकि उसके रेडियस भी अलग अलग है, रेडियस भी अलग अलग है, यस,
पास। परफेक्ट, एक ही चार्ज है, वेलोसिटी v, 2v एंड 3v है, v, 2v एंड 3v है, तो एक एक राउंड कंप्लीट करने में एक ही टाइम लग रहा है। परफेक्ट, क्योंकि रेडियस बदल गया, तो रेडियस एंड वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली चेंज करते हो, मतलब रेडियस भी डबल करो, वेलोसिटी भी डबल करो, तो आंसर नहीं बदलेगा। रेडियस को तीन गुना कर दो, रेडियस को तीन गुना कर दो, वेलोसिटी को भी तीन गुना कर दो, तो भी आंसर नहीं बदलता है। यस बेटा, सो दिस इज वॉट द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट। हमने क्या क्या देखा बेटा, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। यस, तो यही चीज तो हमें यहाँ पे बेटा वो लोगों ने भी समझाई है, क्या समझाई है, लेट अस नाउ लर्न दिस। परफेक्ट, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंट्ज़ फोर्स, पूरा का पूरा चीज हमने आपको दिखा दिया है। लेट अस सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू मूविंग विद द वेलोसिटी वी लोकेटेड एट डिस्टेंस आर एट अ गिवन टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमें कोई इश्यू नहीं है। द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू ड्यू टू बोथ ऑफ देम कैन बी रिटन एस एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और ई इज अ फंक्शन ऑफ आर, डोंट वरी, सबको पता है बी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ आर। अल्टीमेटली ये भाई सब क्या कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, है ना। यस, अगर चार्ज पार्टिकल को हम मूवमेंट कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, तो ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइन इफेक्ट की वजह से कितना फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। डोंट वरी, ये इक्वेशन कहां से आया मैं आपको समझाता हूँ। यस, सो दिस फोर्स वॉज फर्स्ट studied by the Lorentz based on the extensive experiments of Ampere and others. It is called the Lorentz force. Bahut important hai equation, hum samjhenge, don't worry. You have already studied in detail the force of electric field. Ye pehla wala portion to sabko pata hai ki bhaiya q into e jitna force lagta hai, lekin ye jo naya force aaya v cross b wala, wo kahan se aaya? Yes, if we look at the interaction with the magnetic field, we find the following features. If we look, हमने ऑलरेडी देखा, हमने आपको दिखाया क्या एंगल बदला, पैरेलल से परपेंडिकुलर गए, नेचर बदल गया, चार्ज बदला, आंसर बदल गया, पॉजिटिव के लिए अलग, नेगेटिव के लिए अलग, पॉजिटिव इस तरफ आया था, नेगेटिव उस तरफ गया था, वेलोसिटी बदला, आंसर बदला। यस, सो इफ वी लुक एट द एक्सपेरिमेंट वी गॉट द फॉलोइंग फीचर्स, इट डिपेंड्स ऑन क्यू, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता था, इट डिपेंड्स ऑन वी, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता था, इट डिपेंड्स ऑन बी, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता था। यस, सो द फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू दैट ऑन अ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। यस बेटा, तो नेगेटिव चार्ज जो डायरेक्शन में गया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मेरे को रीसेट कर देने दो बेटा। यस, सो आप लोग देखना बेटा ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस तरीके से फोर्स आता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर उस तरीके से फोर्स जाएगा। यस, क्यों ऐसा हुआ अभी रीजन मिलेगा, बट कहने का मतलब क्या है कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यस, तो देखना भैया, यस, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज। परफेक्ट, the magnetic force q in bracket v cross b includes the vector product of velocity and magnetic field, includes the vector product of velocity and magnetic field. The vector product makes the force due to magnetic field vanishes. Yes beta, to jo magnetic force hai na uska equation q into v cross b kis tarike se banaya? Yes, main aapko dikhata hu. The magnetic force का फॉर्मूला है Q into B cross B includes the vector product, यहाँ पे cross आया, cross from vector product बोलते हैं, कोई issue नहीं है। magnetic field, the vector product makes the force to the magnetic field vanishes, become zero. कब force zero हो गया था, जब parallel charge particle को incident करवाया था। If velocity and magnetic field are parallel or antiparallel, if they are parallel or एंटी पैरेलल, यस, तो ये रहा पैरेलल टू द फील्ड, लेट मी अलाउ, यस, तो कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो फोर्स तो हमारा जीरो है। यस, फोर्स तो हमारा कैसा है बेटा, जीरो है। यस, सो द फोर्स एक्स, सॉरी, इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, फर्दर टू दैट द फोर्स एक्स इन अ डायरेक्शन साइडवेज, तो जब हमने
परपेंडिकुलर किया था, क्रॉस इस तरफ जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था, तो चार्ज पार्टिकल ऐसा साइडवेज निकल गए थे, विच इज डिरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो द फोर्स एक्ट इन अ डिरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. Its direction is given by the screw rule or right hand rule for the vector product as shown in figure 4.2. Yes, great. अभी मैं आपको ये चीज को प्रूव करके दूंगा इक्वेशन को. Yes, so okay, great. So let us say बेटा कि हमने जो इक्वेशन लिया है मैं आपको उसको प्रूव करके दिखाता हूं कि वो इक्वेशन 100% सही है. हमने ऑलरेडी बेटा एक्सपेरिमेंट से ये चीज देख ली है कि वो क्यू के ऊपर डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है एंड एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है. यस, सो एफ का जो फॉर्मूला है वो है क्यू इन ब्रैकेट बी क्रॉस बी. यस, कहां से आया इसका प्रूफ हम दे देते हैं. बी क्रॉस बी तो आइडियली हो जाएगा बी बी साइन थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड बी, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन. चलो वो तो सही है, लेकिन हम अलग अलग वैल्यू लेके इसको सॉल्व करेंगे. लेट अस से हमारा जो वेलोसिटी है, ओके, लेट अस से जैसे कि हमने लिया था हमारा पहला वाला केस, हमारा जो बी है इट क्रॉस से इंडिकेट किया था. हमने कैसे इंडिकेट किया था? क्रॉस, क्रॉस मतलब गोइंग इन साइड द पेज ऑफ द पेपर. इफ इट इज गोइंग इन साइड द पेज ऑफ द पेपर मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन है ना, गोइंग इन साइड द पेज ऑफ द पेपर, going inside the page of the paper, तो going inside तो negative z direction, negative z direction मतलब क्या बेटा? minus k cap, कौन सा unit vector आएगा? minus k cap, yes. तो b का मेरा equation है वो क्या हो गया? मेरा b का equation क्या हो जाएगा? minus b k cap, yes. फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने कहां पे दिया था पार्टिकल को? वेलोसिटी कहां पे दिया था हमने पार्टिकल को? वेलोसिटी पॉजिटिव y ऊपर की डायरेक्शन में दिया था. तो v पॉजिटिव y मतलब कौन सा आएगा बेटा? j के आना चाहिए है ना, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर j के होता है. यस, तो अगर ये इक्वेशन मेरा सही है, अगर ये मैंने जो इक्वेशन लिखा है वो सही है, तो हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं. f चलो q, v की जगह मैं क्या लिखूंगा? v इंटू जे गैप क्रॉस बी की जगह हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा? माइनस बी के गैप. हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा? माइनस बी के गैप. यस, सो क्यू एज इट इज माइनस एन को बाहर लेके आते हैं. वी बी पर जे क्रॉस के है ना, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के क्या होता है? आई, जे क्रॉस के, जे के बाद आता है के बाद आता है आई, तो ये हो जाएगा आई गैप. Yes. तो मेरा फोर्स का आंसर क्या आया बेटा? हमारा फोर्स का आंसर क्या आया? विथ नेगेटिव साइन क्यू वी बी आई कैप, क्यू वी बी आई कैप, साइन साइन 90 मतलब 1 हो जाता है. अब तो माइनस आई डायरेक्शन, माइनस, सो व्हाट इट मींस माइनस आई डायरेक्शन आया. अभी हम चार्ज के बारे में, ये मेरा इन जनरल इक्वेशन बन गया. अभी हम इसमें प्रोबेबिलिटी लेंगे कि अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है, अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज का वैल्यू होगा, तो ये चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन है, लेट अस से ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पॉजिटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन, तो मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा. फोर्स का आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. कौन से डिरेक्शन में? आई कैप डिरेक्शन में, तो नेगेटिव एक्स में जाना चाहिए. तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज, अगर ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन क्यू में पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव एक्स. तो हमारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एक्स के बाजू जाना चाहिए है ना. यस, और अगर ये इक्वेशन सही है, मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूं पॉजिटिव की जगह, अगर हम नेगेटिव चार्ज को ऑब्जर्व करते हैं, माइनस साइन पहले से है, मेरा चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो मेरा फोर्स कहां पे जाएगा? तो मेरा फोर्स कहां पे जाएगा? पॉजिटिव एक्स में जाएगा. कहां पे जाएगा? पॉजिटिव एक्स में. मतलब एस पर गिवन डेटा, अगर हम बी को के कैप में लेते हैं अंदर की तरफ, वेलोसिटी को जे कैप मतलब ऊपर की तरफ लेते हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमने लिया है बी को अंदर की तरफ, वेलोसिटी को ऊपर की तरफ, तो हमने जो लिया है वो यहां तक तो सही है. अगर ये इक्वेशन सही है
तो मेरा पॉजिटिव, अगर ये इक्वेशन सही है, हमने सब कुछ रूल अप्लाई किए, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एक्स में जाना चाहिए एंड मेरा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एक्स की तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एक्स की तरफ एंड उसका उल्टा। तो चलो चालू करते हैं। पॉजिटिव चार्ज गया इस तरफ कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आया ना, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आया था मतलब नेगेटिव एक्स, नेगेटिव चार्ज उस तरफ गया मतलब पॉजिटिव एक्स में गया, मतलब हमने जो किया वो सही है। ये पॉइंट पे आके पूरा सिचुएशन, चलो रीसेट, यस, ये बीच एग्जैक्ट बीच पे आके हमारा जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज होता है, यस, नाउ यू गाइस कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का लाइन है वो वेलोसिटी वेक्टर इंडिकेट करता है। वेलोसिटी वेक्टर अभी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एंड ये वाला जो भाई साहब है वेलोसिटी वेक्टर वो नीचे की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ मतलब इस तरफ आ जाएगा, है ना, इस तरफ आ जाएगा, यस yes. तो अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो हमारा रिजल्टेंट अभी उल्टी तरफ जाना चाहिए, यस बेटा। सो This is how you can understand this concept. Yes, बेटा, तो अगर ये है पॉजिटिव चार्ज, यस, तो अभी ये है मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक चार्ज फील्ड का डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी वेक्टर, तो मेरा रिजल्ट अभी इस तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाना चाहिए एंड नेगेटिव चार्ज इस तरफ आना चाहिए। ग्रेट, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्टफ जो कि यहाँ पे लिखा गया है, यस। सो फील्ड वैनिशेस इफ मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, द फोर्स साइडवेज परपेंडिकुलर होता है, बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल जो कि हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, यस। द थर्ड वन, द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, तो बाय डिफॉल्ट है बेटा, क्योंकि अभी हमने जो इक्वेशन लिखा है एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी, अगर वेलोसिटी ही नहीं है, चार्ज ही रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो फोर्स जीरो हो जाएगा, बट ऑब्वियस है ये तो बेटा, है ना, यस। सो this equation vanishes if velocity is zero, only moving charge faces the magnetic force, only moving charge produces the magnetic force, only moving charge produces the magnetic force, yes. The expression for the magnetic force help us, this equation F is equals to Q in V cross B help us to define the यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यस। तो इससे हमें क्या मिलेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन मिलेगा, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, एंड कैप इज द यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट का, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, सबको पता है बेटा। सो द मैग्नेटिक फील्ड बी इज वन SI यूनिट व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ वन कूलम मूविंग परपेंडिकुलर टू द बी विद अ स्पीड ऑफ वन मीटर पर सेकेंड इज वन न्यूटन, यस। तो हम इसको दिखा देते हैं बेटा आपके लिए, यस, फोर्स इज वन न्यूटन, हाँ, वेट अ मिनट, यस। तो ये क्या बोल गया भाई साहब, ये भाई साहब ने क्या बोल गया, वेट अ मिनट, यस, ओके, कोई बात नहीं है, बोले यस। सो सो हमारा एफ का जो बेटा इक्वेशन है वो क्या आया था, हमारा एफ का इक्वेशन क्या आया था, एफ इज इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट बी क्रॉस बी, परफेक्ट। So is equals to q v b sin theta, yes. So sin theta, तो हमें b का definition चाहिए, तो हम b को subject बनाएंगे, तो f upon q v sin theta, है ना, क्या बन जाएगा, q v sin theta, yes. तो what this means कि मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हमें वन करना है तो मेरा जो फोर्स है वो कितना होना चाहिए, मेरा जो फोर्स है वो होना चाहिए वन न्यूटन, मेरा जो चार्ज है वो वन कूलम का होना चाहिए, उसको वेलोसिटी मुझे देना पड़ेगा वन मीटर पर सेकेंड का, एंड मेरा जो साइन थीटा का वैल्यू वन होना चाहिए, साइन थीटा वन मतलब थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर रेडियस करना पड़ेगा, है ना, यस, परफेक्ट। सो इफ चार्ज ऑफ वन कूलम is given the velocity of 1 meter per second in the perpendicular direction when the force applied is 1 newton, corresponding magnetic field B is said to be 1 tesla, hai na beta, tesla car ka company hai, yes, tesla, perfect. So this is the definition, sabko 1 kar do beta, sabko 1 kar do, automatic definition mil jayegi,
क्या है डेफिनेशन, ये रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी इज वन एसआई यूनिट, व्हेन द फोर्स कितना फोर्स 1 न्यूटन का एक्टिंग किसके ऊपर, 1 कूलम के चार्ज के ऊपर, मूविंग परपेंडिकुलर थीटा 90 विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. यस, सो डायमेंशनली वी हैव बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी, साइन थीटा का तो कुछ नहीं होता, यूनिट ऑफ बी आर न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, है ना, और This is called the Tesla, named after the Nikola Tesla. Yes, हमारे इधर एरिया है निकोल, उधर आ निकोला Tesla, ऐसा नहीं होता है. Yes, scientist था Tesla. Yes, so Tesla is rather a large unit, a smaller unit or non-SI unit called the Gauss is 10 power minus 4 Tesla. तो चलो इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर देते हैं. Yes, क्या है? हमारा एफ का अगेन, हमारा जो एफ का जो डेफिनेशन है वो क्या था, एफ का जो डेफिनेशन है वो क्या मिला हमें, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा का कुछ यूनिट नहीं होता है तो बी का यूनिट हो जाएगा एफ अपॉन क्यू बी, तो इसका जो यूनिट होता है वो है न्यूटन, इसका यूनिट है कूलम, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो अल्टीमेटली न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर क्या यूनिट हो गया बेटा, न्यूटन सेकेंड पर कूलम, लिख देना बेटा कूलम मीटर, या तो दूसरा यूनिट है जो कि हम यूज करेंगे टेस्ला, विच इज ऑल्सो द एसआई यूनिट. कहाँ से आया बेटा ये यूनिट, जो साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, निकोला टेस्ला, दिस इज द एसआई यूनिट. लेकिन हम ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है, वी विल यूज द नॉन एसआई यूनिट, दिस व्हाट विच इज ऑल्सो नोन एज गॉस. So 1 Gauss is equals to 10 power minus 4 Tesla. 1 Gauss is equals to 10 power minus 4 Tesla. Yes, 1 Gauss is equals to 10 power minus 4 Tesla. Yes, हम लोग ये वाला बहुत बार यूज करेंगे एमसीक्यू में. Yes, so next one. Yes, बेटा यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है. ये फिगर क्या इंडिकेट करती है बहुत जल्दी, बी कौन से डिरेक्शन में है, यस चार्ज है पॉजिटिव, बी कौन सी डिरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में, वी कौन सी डिरेक्शन में है, कमिंग टूवर्ड्स यू सी, एरो आपकी तरफ आ रहा है, एरो बाहर की तरफ आ रहा है, मींस पॉजिटिव जेड, यस, तो बी है पॉजिटिव एक्स, वी है पॉजिटिव जेड, तो हम लोग देखते हैं, यस, बी कहाँ पे है बेटा, बी था पॉजिटिव एक्स में, मतलब आई कैप, यस, वेलोसिटी कहाँ पे था, कमिंग टूवर्ड्स यू, पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव जेड मतलब के कैप, एंड जो चार्ज पार्टिकल था वो था पॉजिटिव, तो हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखते हैं, यस, परफेक्ट. तो हमारा जो एफ का फॉर्मूला है वो कौन सा है बेटा, हमारा जो एफ का फॉर्मूला है वो है क्यू इन ब्रैकेट वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, यस, चलो क्यू तो पॉजिटिव है कोई बात नहीं है, पॉजिटिव ही लिखा है, बी कौन से डायरेक्शन में है, के कैप में, बी के कैप, यस, बी इनटू के कैप क्रॉस क्या है बेटा, बी कौन से डायरेक्शन में था टेक्स्ट बुक के अंदर, आई कैप में, है ना, यस, तो क्यू बी बी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है ना, यस, जे मतलब कौन सा डायरेक्शन, जे मतलब कौन सा डायरेक्शन, पॉजिटिव जे मतलब कौन सा डायरेक्शन, y direction, yes, positive y. तो अगर अगर हमारा जो फोर्स है वो पॉजिटिव y direction में होगा तो हमने जो लर्न किया वो सही है, yes. So this is in x, this is in z. The force you guys can see that, force you guys can see that it is in the positive y direction. Yes. इसको भी किस तरीके से आपको याद रखना है बेटा, इसको भी किस तरीके से याद रखना है कि ये जो आपका हाथ है, ये फिगर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो मेरा हाथ है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन है, यस, फिर ये वाला जो हाथ है यहाँ से जो पार्ट पड़ता है उसको आप 90 डिग्री रोटेशन देना है, तो ये हो गया 90 डिग्री रोटेशन, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड, ये है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों, ये आई होप परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा फोर्स, मतलब थंब के डायरेक्शन में, तो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मेरा वेलोसिटी, वो दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ फोर्स, दैट इज एफ, तो ये हाथ ये इंडिकेट करता है, आई होप आपको आ चुका है, यस, ग्रेट. नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, यस,
फिगर बी के अंदर क्या दिया है बेटा, फिगर बी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इसको आप सामने से देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कमिंग आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तरफ आ रही है ना, पेज के पेपर के बाहर निकल रही है। मैंने जो सॉफ्टवेयर में पढ़ाया आपको उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही थी, यस। तो आपको बेटा हमने दोनों केस समझा दिए, सॉफ्टवेयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही थी, जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि आपको दोनों केस समझ में आ जाए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नो इश्यूज बाय, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर आ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है तो चलो हम देख लेते हैं, वेलोसिटी तो ऊपर ही है, वेलोसिटी तो ऊपर ही है, यस। तो क्या एक्सपेक्टेड है देखना है बेटा, क्या एक्सपेक्टेड है, डू रिमेम्बर क्या लिखा था वो सब लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउटसाइड टुवर्ड्स यू, कमिंग आउटसाइड द पेज ऑफ पेपर, आपकी तरफ आ रही है, पेज 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 ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बाहर आ रही है, कमिंग आउटसाइड द पेज ऑफ पेपर। आउटसाइड मतलब क्या, ऑलरेडी दिखा दिया, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन मतलब क्या बेटा, बी के एफ। वेलोसिटी को कहां पे रखा था, वाई में ही रखा था, वाई मतलब जे के एफ, यस। क्यू पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव क्यू है तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यस। ऑलरेडी ये वाला बी देख लिया है, फिर भी देख लेते हैं वी, v का वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ v, j कैप, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, k कैप है ना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, k कैप, यस। तो j के बाद ही तो k आता है बेटा, तो ये तो ऑर्डर में ही है, तो ये हो जाएगा v b, आंसर क्या आएगा, j क्रॉस k गिव्स मी i कैप, यस। चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज तो हमारा ये वाले केस में पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज को ये वाले डेटा में मतलब बी आउटसाइड है, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स है वो आई कैप डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगना चाहिए। मैंने सॉफ्टवेयर में पूरा रिवर्स सिचुएशन समझाया था ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। तो इफ दिस डेटा इज ट्रू दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू आउटसाइड द पॉजिटिव के, वेलोसिटी पॉजिटिव वाई, चार्ज इज पॉजिटिव, देन हमारा जो फोर्स का आंसर पॉजिटिव एक्स में आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज को ये डेटा में रिलीज करो, पॉजिटिव एक्स में जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, यस इस तरफ जाना चाहिए, यस। यू गाइस कैन सी दैट मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो चार्ज पार्टिकल इस तरफ गया, यस। यू गाइस कैन सी दैट इस तरफ वो मुड़ा, किस तरीके से मुड़ता है हमने आपको सॉफ्टवेयर में मस्त दिखा दिया है, यस बेटा। आई होप कि आपको हमारा ट्रिक पसंद आ रहा है बेटा। हमारे बच्चे ने जो चैनल लाइक किया है, प्लीज नहीं लाइक किया यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, बहुत इसी तरीके से हम लोग बेटा आपको समझाते हैं, राइट, यस। सो नेक्स्ट, अगर चार्ज नेगेटिव है बेटा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस बी एंड बी तो एज इट इज है बेटा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज है इस तरफ गया, यू गाइस कैन सी द ट्रैजेक्टरी, इस तरफ आया, मेरी तरफ आया, यस, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा, परफेक्ट। सो आई होप इट आपको समझ में आ रहा है, यस। ये दोनों फिगर मैंने आपको बेटा मस्त हमारे सॉफ्टवेयर से समझा दिया है, यस। ये टेबल को आप देख सकते हो, याद रख सकते हो, डोंट वरी नहीं याद रहता है तो, यस। सो आई होप बेटा यू गाइस enjoyed this class. In the next class, we will learn the article number 4.2.3, yes, and we will then solve the associated numericals. Okay, so thank you very much. We will learn this chapter in the same way using the software. Thank you.